बारामूला में एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक शख्स की मौत वाकया हुई है। बताया जा रहा है गाड़ी स्किड ऑफ हो गई थी जिसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ। जानेंगे क्या कुछ और जानकारी है, कौन है ये शख्स जिसने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। हमारे से नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, तस्वीर में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यह हादसा पेश आया है। काफी दर्दनाक मौत इस एक शख्स की हुई है। कौन है, क्या नाम है, कहाँ से ताल्लुक रखता है और हादसे का क्या कारण बताया जा रहा है? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें, आज काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली तो उसके चलते जो है काफी ज्यादा फिसलन जो है वो रोड्स के ऊपर थी। तो उसके चलते अगर हम देखें, शाम देर गए जो है एक दिलदोज हादसा बारामूला के सिंहपुरा इलाके से पेश आया, जब वहां पे जो है एक गाड़ी जो है स्किड हो गई रोड से और वो सीधे नीचे गहरी खाई में गिर गई। और जिसमें अगर हम देखें, मुश्ताक अहमद वानी जो कि सिंहपुरा का ही रहने वाला बताया जा रहा है, और उसकी जो है मौके पर ही मौत हुई। हालांकि अगर हम देखें, वहां पे मकामी लोग, जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंची और उन्होंने जो है इसको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने जो है वहां पे उनको मुर्दा करार दिया। लेकिन अगर हम देखें, लगातार ऐसे हादसे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज देखने को मिल रहे हैं। तो उसके चलते अगर हम देखें, आज बर्फबारी की वजह से जो है अभी अभी बारामूला से जो है ये दुखद खबर सामने आई, जब वहां पे अभी जो है सिंहपुरा का इलाका जो बारामूला में पड़ता है, काफी अगर हम देखें ये हिली एरिया भी है, तो उसके चलते फिसलन जो है काफी ज्यादा इस रोड के ऊपर जो है बर्फबारी हुई तो उसके चलते काफी ज्यादा फिसलन थी। और उसके बाद जो है ये हादसा पेश आया, जब ये गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो शायद स्पीड ओवर स्पीडिंग की वजह से जो है स्लिप हुई और गाड़ी जो है नीचे गहरी खाई में गिरी। और उसके बाद जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मुश्ताक अहमद वानी इसका नाम है, जो कि सिंहपुरा का ही रहने वाला है, और इसकी जो है मौके पर ही मौत वाकया हुई। हालांकि फिर उसके बाद जो है उनके घर वालों को पता चला और वो भी जो है हॉस्पिटल पहुंचे और लीगल फॉर्मेलिटीज जो हॉस्पिटल की होती है तो वो पूरी की गई है। और उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी को जो है उनके घर वालों को जो है सौंप दिया गया है, जो बाकी लास्ट राइट्स है वो की जा रही है। जी जी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो नदीम, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, सिंहपुरा से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसकी इस हादसे में मौत वाकया हुई है और आज एक और शख्स ने अपनी जान गंवाई है। और लगातार जिस तरह से रोड स्लिपरी है बारिश और बर्फबारी के कारण, लगातार कई हादसों की खबर आए दिन सामने आती है। और मुश्ताक अहमद वानी जो सिंहपुरा से ताल्लुक रखता है और अपने घर की ओर जा रहा था, जिसे शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि घर कभी भी वो पहुंच नहीं पाएगा। तो फिलहाल इसी मैसेज के साथ कि आजकल रोड बहुत स्लिपरी है बारिश और बर्फबारी के कारण, जब भी आप ड्राइव करें बहुत एहतियात बरतें, इसी मैसेज के साथ लूंगी इजाजत। देखते रहे जी।